जय हो द्वारपाल, जय हो। कहो क्या समाचार लेकर के आए हो? समाचार यह सरकार की तुहालन का सोलह में घुस गयल। क्या सोलह में इसको हो गया? बहुत खुशी की बात। तबीयत अगर ठीक है ना उसकी? ठीक है सरकार, आपका लड़का आपसे मिलना चाहता था। जाओ, मान सम्मान से इस राज दरबार में उसका स्वागत है। अरे बेवकूफ, आदर पूर्वक उसे इस राज दरबार में प्रस्तुत करो। सम्मान कहे पिताजी, आज दरबार में हमें आप किस लिए बुलाए? मेरे लाल, हर एक पिता की इच्छा रहती है जब भी उसका पुत्र या बेटा उसके बराबर हो जाता है तो दुख सुख का भागीदार हो जाता है। इसलिए मैं भी एक पिता होने के नाते अपने पुत्र से नहीं मिल सकता, इसलिए मैं सोचा कि क्यों नहीं अपने पुत्र बाला लखंदर को इस राज दरबार में ही प्रजा के सामने ही उसका कुशल क्षेम पूछ लूं। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अवश्य कह सकते हो मेरे लाल। अरे सुन बात, सुन बात बाबू जी, हमारी पछनी मछली का शिकार के लिए गिर गिरा है। नहीं मेरे लाल, मैं जिससे घृणा करता हूँ वही काम करने के लिए तुमने सबसे पहले मुझसे आज वादा किया और कराना चाहता है। पिताजी, अब हमें जाने दीजिए। अरे बेटा, अगर तू जंगल में शेर भालू चीता का अगर शिकार खेलने जाता मेरा सीना चौड़ा हो जाता। एक मछली का शिकार, ये प्रजा के लोग हंसी उड़ाएंगे। पिताजी, एक राजा का बेटा मछली मारने जा रहा है। क्या पिताजी, वो शिकार नहीं होता है? नहीं होता है। कहो कि चूहा मारे, बिल्ली मारे,
क्या ये शिकार नहीं होता है? पिताजी, सबकी इच्छा होती है, जो जिसका चाहता है उसी का शिकार करता है। आप मुझे आगे दीजिए, मैं शर्म चमुना कितनी मछली का शिकार किया। क्या तू कह रहा है द्वारपाल? इधर आओ। अरे माँ बतिया सुना तो ना किया चुआ खाना तो नहीं है। अरे बेवकूफ इधर आ। इसका मतलब तू ही चढ़ाया है। उस ब्राह्मण की बात तुमने सुना था? विषहरिया की बात क्या तूने बाला लखंदर को बतलाया है? नहीं हो तो क्यों केचुआ खोद रहा था? माला इनकर लाल लाल साम पूरा कर थी बाहर काना कर थी इनका ना का सकिला। क्यों ब्राह्मण बेवकूफ इधर आ। चला मारे ले सीसी। का यही सब शिक्षा दे रहा है इस नादान बालक को? नहीं बाबू ना पीला। इसे समझा दो कि महाराज इस तुम्हारे शिकार से नफरत करते हैं। तुम चलो जंगल शेर भालू का और चीता का शिकार करो। शेर बाघ चीता से महाराज नफरत करते हैं? कहो जाओ मछली मार के लाओ। उल्टी तुझे भी सुनाई दे रहा। तुमसे मैं ये कहा कि कह दो कि मछली मारने वाला कार्य छोड़ दो, तुम जंगल में चलो से बाघ चीता का शिकार करने। तो ये बताओ तुहार लड़का का तुहार कहना ना करा था ना, तो हमारी कहना करे हमार का लगे हम तो उनका नौकर है। ये नहीं जानते हो तुम? हर बेटा अपने पिता से थोड़ा भय खाता है। तुम उसके दोस्त के समान हो। तुम चाहो तो समझा सकते हो। मेरे लाल ये बुरी चीज है, इसे छोड़ दो। नहीं पिताजी, ऐसा खराब नहीं हो सकता। अगर आप मुझे आज्ञा नहीं देंगे तो मैं इस राज को छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं मेरे लाल, मुझे दोबारा इस तरह का मत कहना। ठीक है, बतलाओ तुझे क्या क्या चाहिए। पिताजी 80 मन किसी और 4 मन चारा चाहिए। इधर एक बार और आओ। अरे बेवकूफ, अगर नौकरी करना है तो करो, नहीं तो छोड़कर घर भाग जाओ, मैं दूसरा खोज लूंगा। तुम किस लिए रखे गए हो? कर खाते तुम काम करने के लिए रहे हो ना? तैयारू का जो भी बाला मांग रहा है सामग्री उसे ले लो, और इसके साथ तुम भी जाना, तुम्हें भी जाना। अच्छा अच्छा, 80 मन किसी को 4 मन चारा लेकर आओ। इधर सुन लो, जानते नहीं द्वारपाल और बेटा वाला, जाने से पहले मेरा एक उपदेश ध्यान से सुन लो। कहे पिताजी। किसी भी पराई बहन बेटियों के तरफ तुम नजर नमत उठाना, और किसी भी असहाय व्यक्ति की मदद करना, किसी से झगड़ा तकरार मत करना। ठीक है पिताजी। ध्यान से सुन ला, रास्ते में अगर बहन जोग होगी तो उसे बहन मानना, फुआ जोगी तो उसे फुआ मानना, माँ जोगी तो उसे माँ मानना, मेहरारू जोगी तो उसे मेहरारू। अरे बेवकूफ, इसको यही शिक्षा दे रहा है? शादी जब होने के बाद इस समाज में एक ही धर्म पत्नी हुआ करती है, इसके सिवा सभी माँ बहन बेटी के समान हुआ करती है। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। सारी व्यवस्था इनको दे करके जमुना किनारे जाओ। पैसा देना? अरे बेवकूफ, वहाँ पैसा क्या करोगे? सिसिया खाती फिर नहीं मानेगा? मौत तो नहीं मानी, ले उनके थोड़ी सिखाई वो। ठीक है, तुम राजमंत्री से ले लेना। का राजमंत्री से ले लेना? नया गवा का तेहला लोग ना पछमा का तेहला। चुप रहो, किसी भी बातें क्या करता है। खुद
डेढ़ महीना का हमारा रुकल क्या महीना महीना पैसा देता तो हम कपड़ा ले लेते। अरे बेवकूफ औरत है। अरे पैंट शर्ट का कपड़ा ले लेते यार। अरे बेहूदा साफ बातों में बतलाया कर तुझे। ठीक है चलो आने के बाद शाम को ले लेना। पिताजी इसका महीना ही बंद कर सरकार चाहे तो हर लड़का हम हूँ खुशी में छोड़ दे फिर आगे वाला। सरकार कम से कम पिछावा वाला तो दे दिया। चुप वो वाला मन चलो कपिया लिया। अरे एक रखले बरबलिया में Yeah.